आपको MIUI 9 के बेसिक हिडन सीक्रेट। MIUI 9 नौगट पे बेस्ड होगा। MIUI 9 के रिलीज से पहले कुछ फीचर्स ऑलरेडी अपडेटेड हो चुके हैं। इन फीचर्स में कुछ कुछ चेंजेस किया गया है जो कि MIUI 9 के बीटा वर्जन के हिसाब से ठीक है। MIUI अब तक का सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम बन चुका है। जो मेजर चेंजेस MIUI 9 में हुए हैं वह मैं आपको बताने वाला हूँ। 5 तरह के चेंजेस मेनली हुए हैं MIUI 9 में। आइए देखते हैं क्या हैं वो फीचर्स। पहला, मल्टीटास्किंग विंडो। इसमें दो विंडो एक साथ चलाई जा सकती हैं। एंड्रॉयड नौगट का सबसे अच्छा फीचर्स यही है जो कि MIUI 9 के अंदर आने वाला है। इसके बाद ऑप्टिमाइज डॉज मोड। MIUI के अंदर यह मोड अपने आप में बहुत अच्छा है। इसके मोबाइल की बैटरी काफ़ी कम खर्च होती है। Xiaomi के हर मोबाइल के अंदर बैटरी बहुत अच्छी है होती है, फिर भी ये फीचर दिया गया है। समझ सकते हैं कि MIUI का यह फीचर कितना इम्पोर्टेंट होगा जबकि बैटरी ऑलरेडी बहुत अच्छी होती है। अगला है डाटा सेवर मोड। जियो ने बहुत अच्छे ऑफर दिए हैं, फिर भी यह अपने आप में एक अच्छा मोड है, डाटा सेवर मोड। MIUI 9 का यह बहुत अच्छा फीचर है। इसके बाद आपको ट्रू कॉलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही अच्छा फीचर निकाला है कॉलर स्क्रीनिंग। अब आप देखिए मोबाइल का व्यू, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे ये ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। पहला फीचर है होम लेआउट। स्क्रीन जो आपकी है उसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ थोड़े से चेंजेस किए गए हैं। लॉन्चर आप जितने भी डालेंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। लेआउट रेशो भी थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। इसके बाद आप देखिए ड्यूअल मोड में भी थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। साउंड में भी चेंजेस किया गया है और नई रिंगटोन आपको मिलेगी। देखिए साउंड में क्या है चेंजेस। फिंगरप्रिंट वाइब्रेशन में भी थोड़े से चेंजेस किए गए हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए क्या है वो चेंजेस। अगर आप सही फिंगरप्रिंट लगाते हैं तो कोई वाइब्रेशन नहीं होगा। अगर गलत फिंगरप्रिंट लगाते हैं हर बार वाइब्रेशन। इसके बाद USB आइकन में भी थोड़ा सा चेंजेस किया गया है जो कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं है। एडिशनल फीचर जो दिया गया है वह है बैटरी सेवर मोड। जी हाँ दोस्तों, बैटरी सेवर मोड। इस मोड को ऑन करते ही आपकी बैटरी लाइफ बहुत अच्छी होगी। ये नीचे लास्ट कॉर्नर पे दिया गया है, ये रहा।